आप सभी का मेरे इस चैनल बॉर्न टू प्ले गेम्स में स्वागत है। तो हम लोग इस जगह पे हनुमान जी का एक टेंपल बनाने वाले हैं, तो इस जगह की पहले कटाई करनी होगी हमें, तो कटाई जल्दी से मैं चालू करता हूँ। और ये माइनक्राफ्ट में कभी खेला नहीं हूँ, ये मेरा पहली बार है जब मैं इसमें कुछ बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर के पास एक हनुमान टेंपल है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे इस पर क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर का झाड़ फूक को हटाना होगा। अब मैं सबसे पहले हनुमान जी का जो टेंपल का जो केंद्र वाला जो घर है वहाँ से चालू करता हूँ, यानी कि मेन जहाँ पर हनुमान जी स्थापित किए जाएंगे। तो पहले हम वहाँ का हिस्सा को बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक ब्लॉक में रखते जा रहा हूँ। और बेसिकली एक छोटा सा घर टाइप का है उनका, और उसके बाद बाकी आसपास के मंदिर का निर्माण होगा। तो पहले हम लोग ब्लॉक को रखते जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे करके अपने घर के आसपास के पूरे एरिया को इसमें कवर करता जाऊंगा। बेसिकली मंदिर बनाना मेरा ज़्यादा मेन एम है, अपन मंदिर को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा गेट है और आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक करके हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये तो बस अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं है भाई, अभी तो सिर्फ मंदिर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बना है, अभी हमें इसके आसपास का भी स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तो अभी कुछ कुछ करते भाई, रात हो चुका है और अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग उजाला के लिए यहाँ पर ला करके कुछ रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लाइट रख देते हैं ताकि हमें काम करने में सहूलियत हो, ठीक है। पर हम सोचे कि हम सुबेरे ही उठ करके अब काम करते हैं, रात को कितना काम करेंगे। अब यहाँ से मंदिर का दूसरा हिस्सा का काम चालू करते हैं, यानी कि यहाँ से हम एक वॉल बनाना चालू करते हैं। दोस्तों आप कोई भी मंदिर गए होंगे तो उस पर आप ये देखे होंगे कि मंदिर में जब हम दर्शन करते हैं तो उसके बाद उसके चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाने का भी एक रहता है। तो अभी मैं बेसिकली उस हिस्से को बना रहा हूँ, मतलब हम लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर का जो घर है, तल घर जो भी बोलते हैं, उसका हम लोग एक चक्कर लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं। तो मैं बेसिकली वही बना रहा हूँ, तो इतनी मशक्क़त उसी चीज़ के लिए हो रही है। हमारा प्यारा सा मंदिर बाद में बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे एक एक बॉक्स को मैं रख रहा हूँ और थोड़ा काम को यार फटाफट करते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा काम है और ये एक दिन में बनने वाला नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा पर बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मंदिर क्या है भाई, अपने बहुत करीब है ना, तो इधर तो भाई अपन दर्शन करने आते रहेंगे। वास्तविकता में भी मैं डेली जाता हूँ, पर माइनक्राफ्ट में बना लेने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक बॉक्स को मैं रखते जा रहा हूँ और जो मंदिर का जो राउंड मारने वाला हिस्सा होता है वो लगभग बनने को तैयार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं वॉल को कितना ऊंचा ऊंचा उठा चुका हूँ, तो इधर भी जल्दी जल्दी रखते हैं। और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को बताना कि आपको ऐसी टाइप का वीडियो देखना पसंद है कि नहीं पसंद है, क्योंकि यार मैं माइनक्राफ्ट में कभी कुछ बनाया नहीं हूँ और अब जब मैं बनाना चालू कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट अपना फेवरेट मंदिर बना रहा हूँ जो मेरे घर के पास है और जहाँ मैं बहुत जाता हूँ। तो अभी देख रहे हो कितना ज़्यादा काम हो चुका है, और यहाँ से गिरने का भी काफ़ी खतरा रहता है, तो इसलिए मैं भी पैर बचा बचा करके एक एक ठोक बॉक्स को रख रहा हूँ। तो यहाँ से गिरना है तो भाई सही बात नहीं होगी। अब ऐसा करता हूँ, जंप मार करके मुझे इस तरफ जाना होगा, क्योंकि भाई छत भी तो ढालनी है, ऐसी खुला थोड़ी छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे हम इसका ऊपर का छत बनाएंगे ताकि अगर पानी गिरे तो अंदर मत जाए, है ना, क्योंकि भाई ये हमारा मंदिर है तो मंदिर की भी रक्षा करनी है हमें। तो रात हो जाए उससे पहले हमें एक एक बक्सा को रखना है। अब देख रहे हो मौसम धीरे धीरे ढलने वाला है, और ये ढल चुका है मौसम, और अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा है। लगभग लगभग छत ऊपर से बंद हो चुकी है, एक बार मैं राउंड मार के दिखा देता हूँ। अरे वाह, ये एकदम वैसा ही फील दे रहा है जैसे मैं अपने मंदिर में मतलब मंदिर तो हम सबका होता है ऑब्वियसली, मंदिर में जब हम अपन राउंड मारते हैं
तो एकदम सेम ऐसी ही दृश्य रहता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि गड्ढा क्यों है, क्योंकि भाई मैं यहाँ का टाइल्स को चेंज करूँगा, यहाँ का टाइल्स ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो हनुमान जी का मंदिर है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक शिव जी का भी एक छोटा सा मंदिर है, तो शिव जी का भी छोटा सा मंदिर बनाने के लिए मैं यहाँ पे वॉल खड़ी कर रहा हूँ, तो वॉल काफ़ी तेज़ी से मैं खड़ी कर रहा हूँ। ये छोटा सा मंदिर है शिव जी का यहीं पे, तो धीरे धीरे वॉल को अपन रख रहे हैं। देख रहे हो भाई, काम करते करते सुबेरे हो चुका है और रिफ्लेक्शन लाइट का आप देख सकते हो कितना अच्छा है। अब शिव जी का मंदिर है तो इसमें भी हमें चक्कर लगाने वाला एरिया बनाना है, यानी कि हम मंदिर में दर्शन करने के बाद एक चक्कर मार सके, वैसा भी इंतजाम हमें रखना है यहाँ पे। तो उसके लिए चक्कर मारने के लिए यहाँ पे एक नट कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर से खुला रहना चाहिए था। एक काम करते हैं, यहाँ से एक वॉल और उठा देते हैं। मतलब काफ़ी मुश्किल काम होता है अपनी इमेजिनेशन को इसमें उतारना, और मैं वही जगह बना रहा हूँ जिसको मैं खुद एक्सप्लोर किया हूँ, ठीक है। तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और सूरज एकदम ठीक सर के ऊपर है ना, तो लगभग लगभग यहाँ पर का तो काम हो चुका है। इसकी भी छत की ढलाई कर देते हैं हम काफ़ी मेहनत लग रही है इस पे, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर भी हम बक्से को रख करके इसकी छत को बंद कर देते हैं, ताकि हमारा मंदिर ऊपर से खुला ना रहे और यहाँ पर पानी ना भरे। उसके लिए हमको इसे भी पैक करना होगा, तो इसे जल्दी से पैक कर देते हैं। तो अपन पैक कर लिए हैं, अब एक बार मंदिर का राउंड मार के हम देखते हैं कि हम जैसा सोचे हैं वैसा मंदिर हमारा बना है कि नहीं बना है। बट एक नट यहाँ पर कुछ कमी है, मतलब कि कुछ थोड़ा गड़बड़ सा बन गया है, यानी कि हम मंदिर तो ढंग से बना ही नहीं है, मतलब यहाँ से तो कुछ चीज़ मिसिंग है, यानी कि हमें यहाँ पे एक वॉल खड़ी करनी होगी। इसे पैक कर देते हैं और इसके राइट साइड से हम रास्ता निकाल देते हैं, तभी हम मंदिर का चक्कर लगा पाएंगे। हाँ, अब ठीक है। अब जैसे अगर मैं किसी एक कोने से घुसता हूँ तो दूसरे कोने से निकल पाऊँगा, बट यहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ ताड़ के अपन देखें। और मेरे हिसाब से अभी इतना काम सही हो चुका है, यहाँ पर से थोड़ा सा और तोड़ना बचा है। अब बात आती है सीढ़ी की, एक छोटा सा सीढ़ी मैं यहाँ पे पिंक कलर का लगा दिया हूँ, काफ़ी क्यूट सा सीढ़ी दिख रहा है। और इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब हनुमान जी के मंदिर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मैं उसे थोड़ा ऊपर बनाया हूँ। अब इसके आसपास का वॉल खड़े कर देते हैं, ताकि महाराज लोग यहाँ पे विराजमान हो सके। तो बेसिकली यहीं पे बैठते हैं महाराज जी, तो फिर यहाँ पर के लिए भी हम वॉल को बना देते हैं, क्योंकि मंदिर को हम किसी भी सूरत पे खुला नहीं छोड़ सकते। तो अभी काफ़ी काम हो चुका है और अभी पानी का मौसम है, तो इसलिए इसकी छत ढलाई तो करनी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी इसकी छत ढलाई कर देते हैं हम। काश इतना ही तेज़ी से रियल लाइफ में भी छत ढलाई होता तो ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो जल्दी जल्दी हो जा भाई, जल्दी जल्दी। तो अभी इतना काम हो चुका है और शाम होने को है, और ये हमारा फर्स्ट डे का काम था, ठीक है। और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो एक लाइट का भी इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइट का इंतज़ाम करना पड़ेगा एक अच्छे से लाइट का इंतज़ाम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी अंधेरा पूरा हो चुका है और मैं राइट साइड में एक लाइट जलाया हूँ, ठीक है। वैसे मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, बट मैं लाइट जला के ही यहाँ से प्रस्थान करूँगा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइट कहाँ पे लगाएंगे, एक मिनट, यहाँ राइट साइड में। हाँ, ये राइट साइड में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर अपन लाइट लगा दिए और पानी गिरना चालू हो गया है। आप लोग देख सकते हो ज़मीन पूरा गीला हो चुका है भाई, कतई पूरा ज़मीन गीला हो चुका है। अच्छा हुआ हम छत की ढलाई पहले ही कर दिए थे,
अब मैं एक बार अंदर जा कर के दिखाता हूँ, मेरा तो पूरा पैर फिसल रहा है भाई। एक बार मैं आपको राउंड मार के दिखा देता हूँ ये, और ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे लाइट जला दिया हूँ, नहीं तो बिल्कुल कतई कुछ नज़र ही नहीं आता। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पानी काफ़ी ज़मीन में फैल चुका है। तो यहाँ अंदर में हनुमान जी की स्थापनापन करेंगे, और एक बार मैं राउंड मार के दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे पानी नहीं है, पर बाहर पानी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, और सब्सक्राइब करो मेरे इस यूट्यूब चैनल बॉर्न टू प्ले गेम्स।